नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2018 के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके टेस्ट नंबर 6 टॉपिक है इतिहास को लेकर के मैं सोनू यादव आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन इस चैनल पर। अब तक 5 टेस्ट हो चुके हैं और ये छठा टेस्ट है। वैसे तो इतिहास बहुत बड़ा है और इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं पूछे भी जाते हैं, और अभी ये सिर्फ छठा टेस्ट है। अभी कई सारे टेस्ट जो है आने बाकी हैं। तैयारी जीत के चैनल की कोशिश ये है कि इतने अधिक टेस्ट आपके हो जाएं, इतने अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाएं कि जो परीक्षा जो दिन होगी, जिस दिन होगी उस दिन आप पूर्णतः जो है अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें एग्ज़ाम के प्रति। जिस तरह से पॉलिटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लेके आए थे, ठीक उसी तरीके से उसी तर्ज पर चलेंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस जो है यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया। क्योंकि अब जो है डायनेमिक होता जा रहा है आयोग, तो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, पूछने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अब अधिक समय ना लेते हुए जो है मैं टेस्ट शुरू करना चाहूँगा। आपके जितने भी प्रश्न सही हैं वो कमेंट करके अवश्य बताएं, और कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, केवल स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और ये टेस्ट अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये टॉपिक है प्राचीन और मध्यकालीन भारत को केवल शामिल किया गया है टेस्ट नंबर 6 यूपीपीसीएस 2018 को टारगेटेड करता हुआ। पहला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, और 16 प्रश्न तो मुझे लगता भी नहीं है कि हो पाएंगे सही काफ़ी लोगों से, फिर भी बेहतरीन प्रश्न है। एक बार ज़रा पूरे प्रश्न को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, क्या सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के विशेष अपील, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म के विस्तार में कौन से तत्व जो हैं उत्तरदायी रहे उनके विस्तार हेतु? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? कूट आपके सामने है, ए बी सी या डी। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ऑप्शन बी, 1 2 3। धर्म की सादगी, दलितों के विशेष अपील और स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता का संबंध जो है बौद्ध दर्शन से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी। प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, ये आईएएस में एक बार पूछा गया और यूपीपीसीएस मेंस में 2 बार पूछा गया ये प्रश्न, और इसलिए मैंने जो है डबल स्टार लगाया है। ठीक है, एक बार आईएएस में और यूपीपीसीएस मेंस में 2 बार, पीटी में अभी तक नहीं पूछा है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, आत्मा की अद्वैत प्रकृति, बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत, जैन तप के सिद्धांत, योग मुद्राओं का प्रतिपादन। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, इसलिए जो है ध्यान रखें यूपीपीसीएस मेंस 2017 वाले स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? क्वेश्चन को ध्यान से सुने, निम्न में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? दीपवंश, ललित विस्तार, नेति प्रकरण या सुमंगल विलासिनी? क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन दिग निकाय पर एक टीका है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस सैंधव स्थल से युगल यानी कि कपल के रूप में स्त्री पुरुषों के शवदाहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, किस सैंधव स्थल से कपल स्त्री पुरुषों के शवदाहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए कालीबंगा, सी लोथल, बी हड़प्पा, रंगपुर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, किस सैंधव स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के शवदाहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल से। और लोथल जो है भोगा नदी के किनारे बसा हुआ था और ये डॉकयार्ड था सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट करके बताना है कि कुल 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? मेंस में 2 बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं?
कच्छ प्रदेश यानी कि गुजरात में, ठीक है। अब ये बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए आपको। तो कच्छ प्रदेश से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन से हैं? हड़प्पा संस्कृति लिखा हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बात एक ही है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजदी कच्छ प्रदेश में स्थित हैं, वो हैं केवल और केवल ऑप्शन ए, 1 और 2, देसलपुर और धोलावीरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क या समुद्रगुप्त? फिर से पढ़ें क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंगली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक तरफ है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, दूसरी तरफ है उनके जो है रचनाकार संबंधित हैं, जो जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम। अब सुमेल करना है आपको, कूट आपके सामने दिए हुए हैं प्रश्न के जस्ट सामने, देखिए। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम। क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब है ऑप्शन सी, न्याय गौतम से संबंधित है, गौतम ने जो है रचना की है न्याय की, और भारतीय दर्शन है ये सब। वैशेषिक जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, बी का 3, ठीक है। कणाद, सांख्य, कपिल, मीमांसा, जैमिनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी। एलोरा के गुहा मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? एलोरा के गुहा मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या सभी से? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी से जो है संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ के चित्रों में जो है सभी धर्मों का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन भारत के भी जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है इसमें टेस्ट में हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए। बदायूनी, मुंतखाब उल तारीख, अलबरूनी, किताबुल हिंद, जयानक, पृथ्वीराज विजय, अमीर खुसरो, फयाद उल फुआद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है कौन सुमेलित नहीं है, वो है डी, अमीर खुसरो की नहीं है, ठीक है। फवाद उल फुआद जो है इसकी नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेल हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। बारहमासा मोहम्मद जायसी, शाहनामा, फिरदौसी, तबकात नासरी, मिनहाज उज सिराज, ताजुल माजिर, बदायूनी। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब है ऑप्शन डी, ताजुल माजिर जो है हसन निजामी की है, ना कि बदायूं की। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं, बारहमासा, शाहनामा, तबकात नासरी जो है उनके आगे सही सुमेल हैं। सूची 1 को जरा ध्यान से देखें। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही। दूसरी तरफ है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जौनपुर, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? स्क्रीन थोड़ी साफ नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं बोल के सुना दे रहा हूँ आपको। आदिल शाही एक तरफ है, कुतुब शाही, निजाम शाही, शर्की शाही और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जौनपुर। सुमेल करना है आपको, सही कूट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आदिल शाही जो है वो कहाँ से संबंधित थे? सही जवाब है बीजापुर, ठीक है। कुतुब शाही, गोलकुंडा, निजाम शाही जो है अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर। कौन सही सुमेलित नहीं है? आईने दहशाला, 1580, मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर द्वारा चलाई गई, सैन्य जो है सैन्य से संबंधित है, सैनिकों से, मनसबदारी प्रथा सैन्य प्रशासन से, 1556, दीन ए इलाही, 1582, मजहर, 1579। तो यहाँ पर सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। कमेंट करके बताना है कि कुल 20 में से कितने प्रश्न के आंसर आपके सही हुए। आईने दहशाला, 1580, मनसबदारी प्रथा जो कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित अकबर द्वारा चलाई गई प्रथा थी, 1556, दीन ए इलाही, 1582, मजहर, 1579 यानी कि 1579। ये सभी के सभी सही सुमेलित हैं। निम्न सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? फिर से सुने प्रश्न को। निम्न सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, लोदी। लोदी जो थे वो सल्तनत शासकों में अफगान मूल के थे। सिकंदर लोदी से संबंधित सही नहीं है। निम्न में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित सही नहीं है?
भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापना, एक अनुवाद विभाग की स्थापना, अन पर से कर समाप्त कर देना, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का पालन करना। फिर से सुने, निम्न में से क्या सिकंदर लोदी के संदर्भ में संबंधित नहीं है? तो यहां पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का पालन करना। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? सारंग के युद्ध में, खतौली के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में या खानुआ के युद्ध में? फिर से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? सारंग का युद्ध, खतौली, सिवाना, खानुआ? सही जवाब है खतौली के युद्ध में, ऑप्शन बी, 16वें का बी होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ये मात्र एक छोटा सा टेस्ट है, इस तरह के कई सारे टेस्ट आएंगे जो कि आपके यूपीपीसीएस 2018 की तैयारी में आपको सक्षम बनाएंगे। निम्न में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा होगा? सांची स्तूप, पिपरवा स्तूप, बरहुत स्तूप या अमरावती का स्तूप? निम्न में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, सही जवाब है पिपरावा का स्तूप जो है वो सबसे पुराना स्तूप है। ठीक है, ये प्रश्न भी दो बार पूछा जा चुका है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? चामुंड राय द्वारा, कृष्ण प्रथम राय द्वारा, कुमार गुप्त द्वारा या तेजपाल द्वारा? फिर से सुने, श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सही जवाब है चामुंड राय द्वारा, ऑप्शन ए। सेकंड लास्ट प्रश्न, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा, तेली का मंदिर, ग्वालियर? तो सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब है तेली का मंदिर ग्वालियर में, जो कि द्रविड़ शैली का उत्तर भारत में सबसे उत्तम उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में कौन सा एक नागर शैली को प्रारूपित निरूपित नहीं करता है, यानी कि नागर शैली से संबंधित नहीं है, कौन सा मंदिर है वो इसमें? ठीक है, राज्य है और एक तरफ मंदिर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? तिगावा मध्य प्रदेश, देवगढ़ उत्तर प्रदेश और मामल्लपुरम तमिलनाडु। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है नाचना राजस्थान। नाचना का जो मंदिर है वो नागर शैली पर नहीं बना हुआ है, ठीक है, बेसर शैली पे है। तो यहाँ पर 19वें का बी होगा, माफ़ कीजिएगा ये मिस्टेक है, यहाँ पर डी होगा, मामल्लपुरम तमिलनाडु। बाकी तीनों के तीनों सही सुमेल हैं, ठीक है। मामल्लपुरम तमिलनाडु जो है, मामल्लपुरम तमिलनाडु जो है, यहाँ इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का डी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किसे अमित्रघात की संज्ञा दी गई है? प्राचीन भारत के इतिहास में किसे अमित्रघात की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है बिंदुसार। 20वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदुसार। तो इस तरीके से हमारे 20 बेहतरीन प्रश्न जो हैं कंप्लीट हुए। वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसके अलावा करंट के ऊपर जो है कल वीडियो आएगी यूपीपीसीएस से रिलेटेड, जो कि मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने अंदर समाहित किए हुए होगी। उसको दो पार्ट में हम जो है लेके आएंगे आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। नमस्कार।